आगे बढ़ते हैं, एक और बड़ी खबर का रुख करते हैं। भारत निर्वाचन आयोग से जुड़ी हुई ये बड़ी खबर है। निर्वाचन आयोग ने मुख्य सचिव को निर्देश दिए हैं, अधिकारी 3 साल गृह जिले में तभी तबादला हो पाएगा। 31 जुलाई तक गृह जिले में लगे अफसरों के तबादले के निर्देश और चुनाव ड्यूटी में लगे डीईओ या फिर कलेक्टर, डिप्टी डीईओ, आरओ, एआरओ, ईआरओ इसके दायरे में आएंगे। एडीएम, एसडीएम, डिप्टी कलेक्टर, साथ ही ईआरओ, एईआरओ, संयुक्त कलेक्टर, तहसीलदार, बीडीओ या फिर उसके समान रैंक वाले अधिकारी भी इस दायरे में आएंगे। अब आपको बताते हैं, रेंज आईजी, डीआईजी, विशेष सशस्त्र बलों के कमांडेंट, एसएसपी, एसपी, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, इसके अलावा सब डिविजनल हेड ऑफ पुलिस, एसएचओ, सब इंस्पेक्टर, सार्जेंट, मेजर और उसके समान सभी रैंक वाले अधिकारी भी दायरे में आएंगे। पुलिस सब इंस्पेक्टर और उससे ऊपर के अधिकारी अपने गृह जिले में नहीं रहने चाहिए, सब डिविजन में तबादला करना होगा और उस विधानसभा क्षेत्र में नहीं आप हो, अगर जिला छोटा है, संभव नहीं हो उसका, दूसरे जिले में तबादला करना जरूरी। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, निर्वाचन आयोग के मुख्य सचिव को निर्देश दिए हैं और इस खबर पर पूरी अपडेट आपको देंगे हमारे साथ सीयू की डॉक्टर ऋतुराज न्यूज रूम से लाइव जुड़ के हैं। डॉक्टर ऋतुराज, बड़ी खबर है भारत निर्वाचन आयोग से जुड़ी हुई, निर्वाचन आयोग ने मुख्य सचिव को ये बड़े निर्देश दिए हैं, पूरे निर्देश आपसे जानना चाहेंगे। जहाँ भी चुनाव होने हैं, विधानसभा चुनाव, उन मुख्य सचिवों को पत्र जारी किया है भारत निर्वाचन आयोग की ओर से। भारत निर्वाचन आयोग ने ये साफ तौर पर लिखा है कि चूंकि विधानसभा का जो राजस्थान में गठन होना है वह 14 जनवरी 2024 तक पूरा कर लिया जाना है, इसको पूरी प्रक्रिया कर ली जानी है, जिसमें चुनाव भी है, चुनाव का रिजल्ट भी है, रिजल्ट के बाद जो सरकार का गठन होता है उसको तमाम चीज़ें पूरी करनी पड़ेगी। और इसके तहत जैसे निर्वाचन प्रक्रिया शुरू हो रही है, सारे चुनाव के सारे इंतजाम किए जा रहे हैं, तो 31 जनवरी 2024 को कट ऑफ डेट माना है और इसके 3 साल के दायरे में जो भी आ रहे हैं और वो यदि गृह जिले में पदस्थापित हैं अधिकारी, तो उनके तबादले के लिए इन्होंने लिखा है और इसमें कैटेगरी बाकायदा बताई गई है कि अगर कोई अधिकारी अपने गृह जिले में तैनात है तो उसका तबादला करना होगा, साथ ही अगर अधिकारी ने अपने 4 साल से 3 साल उसी जगह सेवाएँ दी है तो उसका भी तबादला करना पड़ेगा। और आयोग ने यह भी कहा है कि किसी राज्य सरकार को अगर इसकी पालना में कठिनाई हो तो वह एक प्रक्रिया के जरिए, एक माध्यम के जरिए आयोग तक पहुंचाए, जिस पर आयोग विचार विमर्श करके ऐसी स्थिति करेगा कि वो तबादला किया जाना चाहिए या नहीं किया जाना। तो इस दायरे में कौन कौन से अधिकारी आएंगे इसकी विस्तृत जानकारी दी है। डीओ आएंगे, कलेक्टर आएंगे, डिप्टी डीओ आएंगे, आरओ आएंगे, एआरओ आएंगे, ईआरओ इस दायरे में आएंगे, एडीएम, एसडीएम, डिप्टी कलेक्टर, इस तरह के तमाम अधिकारी दायरे में आएंगे। इसी तरह से पुलिस अधिकारियों की बात करें तो रेंज आईजी, डीआईजी, विशेष सशस्त्र बलों के कमांडेंट इस दायरे में आएंगे, एसएसपी दायरे में आएंगे, एसपी दायरे में आएंगे, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक दायरे में आएंगे, डिविजनल हेड ऑफ पुलिस, एसएचओ, इंस्पेक्टर, सब इंस्पेक्टर इस दायरे में आएंगे। तो यह एक बताया गया, इसके तहत पुलिस सब इंस्पेक्टर और उससे ऊपर के अधिकारी अपने गृह जिले में नहीं रहने चाहिए, ये निर्देश दिए गए। साथ ही सब इंस्पेक्टर जिन्होंने 4 साल में 3 साल एक सब डिवीजन में गृह जिले में बिताए हों उन्हें भी गृह जिले में नहीं रहना चाहिए, ये डायरेक्शन दिए गए। ऐसे दूसरे उनका जो तबादला करना होगा उसके भी नियम बताए गए कि उनका ऐसे दूसरे सब डिवीजन में तबादला करना पड़ेगा जहाँ जो उस विधानसभा क्षेत्र के दायरे में नहीं आता हो, और अगर जिला छोटा हो तो और ये ऐसा तबादला संभव नहीं हो तो उनका फिर एक जिले से दूसरे जिले में ही तबादला करना पड़ेगा। और यह बताया गया है कि कौन कौन अधिकारी इस दायरे से बाहर हैं। कोई अधिकारी जो जिनका विभाग का मुख्यालय है और वो मुख्यालय में पोस्टेड हैं वो इस दायरे से बाहर होंगे। इसी तरह डॉक्टर, प्रिंसिपल, इंजीनियर, टीचर इस दायरे से बाहर माने गए हैं। सेक्टर ऑफिसर, जोनल ऑफिसर के रूप में जो चुनाव ड्यूटी में जाते हैं अधिकारी वो भी इस दायरे में बाहर रहेंगे, लेकिन उन पर निगरानी मुख्य निर्वाचन अधिकारी या डीओ स्तर के अधिकारी वो करेंगे, यह निर्देश दिए गए हैं। साथ ही ये कहा गया है कि चुनाव कार्य में अगर लापरवाही बरती और पूर्व में अनुशासनात्मक कार्रवाई की गई है चुनाव कार्य में लापरवाही बरतने के कारण, तो ऐसे अधिकारी चुनाव कार्य में नहीं लगाए जाएंगे और इसकी सख्त पालना के निर्देश दिए हैं। साथ ही किसी के खिलाफ आपराधिक मामला चल रहा हो, पेंडिंग हो, तो वो भी चुनाव कार्य में नहीं लगाया जाएगा और आयोग इसको बर्दाश्त नहीं करेगा, तुरंत कार्रवाई करेगा, ये कहा गया है। किसी भी ऐसे स्टेट ऑफिसर को जिसका एक्सटेंशन हुआ हो या पुनर्नियुक्ति पर वो सेवाएँ दे रहा हो तो उसे भी चुनाव के कार्यों में नहीं लगाएगा। सारे मुख्य निर्वाचन अधिकारी इसी नीति को ध्यान में रखते हुए ट्रांसफर पोस्टिंग पर निगाह रखेंगे और जो चुनाव में जुड़े अधिकारी हैं उनको एक घोषणा पत्र, एक फॉर्मेट में देना होगा कि वो
तमाम गोपनीयता का ध्यान रखेंगे। इस तरह का पूरा कार्यपालना करने को 31 जुलाई तक के निर्देश दिए हैं कि 31 जुलाई तक ये तमाम अधिकारी तबादले किए जाने चाहिए। तो ऐसे में माना जा रहा है कि 31 जुलाई तक एक वृहद तबादला का काम पूरा कर लिया जाएगा, एक महायज्ञ पूरा कर लिया जाएगा। और जो खासतौर पर फील्ड में लगे हैं उनमें से काफी अधिकारी इधर उधर किए जाएंगे और यह एक बहुत बड़ी प्रशासनिक सर्जरी की एक्सरसाइज होगी जिसे अंजाम बिल्कुल। ऋतुराज जी, बड़ी खबर है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका पूरी जानकारी के लिए। और